ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। जो ऑप्टिक्स है वो लाइट की स्टडी है, और लाइट की पूरी, जैसे हम मोशन की स्टडी पढ़ते हैं या फिर हीट की स्टडी है, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है, लाइट की स्टडी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स है। अब जो लाइट की स्टडी है इसकी जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री से क्यों शुरू कर रहे हैं, कोई चैप्टर हिस्ट्री से भी शुरू होता है या हमने हिस्ट्री का करना क्या है। लाइट की स्टडी हमेशा से ही कॉम्प्लेक्स रही है। लाइट की स्टडी वैसी नहीं रही कि ठीक है एक एक्सीडेंटल मैग्नेट गिरा और उस तरीके से उसने फैराडे ने पकड़ लिया और इस तरीके से उसने इंड्यूस्ड ईएमएफ और लॉज बनाए, वो भी मुश्किल ऐसा नहीं है, पर लाइट कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको दिखाता हूं और समझाता हूं कैसे। ये कहानी जो है वो स्टार्ट है हाइगन्स प्रिंसिपल से। देखो जो लाइट है, लाइट को या लाइट के कुछ फिनोमेनास ऐसे हैं जो कि आंसरेबल है या उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये मानते हुए कि लाइट की वेव नेचर है, और लाइट के कुछ फिनोमेनास ऐसे हैं जिनका आंसर मिलता है ये मानते हुए कि लाइट की रे नेचर है। अब अगर हम हिस्ट्री में चलें तो हिस्ट्री में सबसे पहले हाइगन्स ने काम शुरू किया था, उसने कुछ प्रिंसिपल बनाए। वो क्या प्रिंसिपल है हम डिस्कस करेंगे, और आप ईयर ध्यान से देखो 1629 से 1695, मैं एग्जैक्टली इंटरनेट पे चेक कर रहा था, 1678 में इसने अपना काम पब्लिश किया था, 1678 में से बताया था कि ये थ्योरी उसको ऐसा लगता है कि सही है। और ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी ये बताती है, जो आज का लेक्चर हमने हाइगन्स प्रिंसिपल पर डिस्कस करना है, ये थ्योरी ये बताती है कि जैसे पानी के अंदर वेव ट्रेवल करती है रिपल्स की फॉर्म में, ठीक है, आगे से आगे आगे से आगे, लाइट भी वैसे मीडियम में ट्रेवल करती है आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे। तो लाइट भी, अब ये तो नहीं कहेंगे, इसने ये नहीं कहा रिपल्स, लेकिन कुछ इस तरीके से उसने नाम दिया रिपल्स की जगह वेवलेट्स। इस तरीके से लाइट जो है आगे आगे ट्रेवल करती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी में वेव ट्रेवल करती है। तो ये थ्योरी से एटलीस्ट ये पता लगता है, और बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो कि हाइगन्स ने आंसर दिया कि लाइट अगर एक ओपनिंग रख दी जाए, जैसे सपोज करो अगर एक लाइट है, लाइट एक ओपनिंग में से ट्रेवल करती हुई जाती है तो बेंड क्यों जाती है, कुछ लाइट इधर कुछ इधर कुछ इधर, जितनी छोटी ओपनिंग होगी लाइट उतनी बेंडिंग हो जाती है। अब ये जो कुछ आंसर्स ऐसे आंसर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हाइगन ने बहुत सही तरीके से दिया, तो एटलीस्ट इसकी थ्योरी कहीं ना कहीं वैलिड थी। 1708 के आसपास न्यूटन ने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया ऑप्टिक्स में, न्यूटन ने भी काम किया और पहली बार इसकी थ्योरी आई। इसने ये माना कि लाइट वेव की बनी ही नहीं हुई, जबकि हाइगन्स का ये मानना था कि कहीं ना कहीं वेव्स काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ वेव फ्रंट या वेव का कॉन्सेप्ट है, जो उसको लगता था जैसे पानी के अंदर वेव ट्रेवल कर रही है ऐसे मीडियम के अंदर भी वेव ट्रेवल कर रही है, तो ऐसा उसे लगा हाइगन्स को, जो उसने अपना काम पब्लिश किया और कुछ इसने प्रूफ भी दिया मैथमेटिकल जिससे कि उसकी थ्योरी को सपोर्ट किया। 1708 के आसपास न्यूटन ने भी माना कि जो लाइट है उसको स्टडी किया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को इसने समझाया, लेकिन इसने ये माना कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जैसे बॉल्स होती हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी नहीं बोला मैंने, बस छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं उसको नाम उसने क्या दिया, कॉर्पस्कुलर करके थ्योरी बनाई उसने, और ये नाम उसने थ्योरी को दिया, और उसने ये माना जैसे एक बैट है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और टकरा के चली जाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई इज इक्वल टू आर। तो अब इमेजिन करें कि जैसे कोई एक सॉलिड बॉडी टकरा के जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो आते हैं और टकरा के चले जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी कंप्लीटली बेकार थी, और क्योंकि नाम बड़ा था न्यूटन का तो ऐसे कोई कह नहीं सकता यार कोई बेकार काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये रूल आउट नहीं हो पाई। अब यहाँ कन्फ्यूजन थी इन दोनों में कौन सही कौन गलत, क्योंकि जैसी लाइट आपको दिख रही है इन साइंटिस्ट को भी वैसी दिखती थी। अब ये तो पता नहीं ना कि इसमें से क्या आ रहा है, अब आपको कोई आज की डेट में कहे कि लाइट के अंदर क्या है आप क्या बताओगे, कुछ भी नहीं बता सकते, लाइट है जी दिखती है और कुछ नहीं दिखता आपको। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन थी कि हो क्या रहा है। अब उसके साथ पैरेलल में एक फिर यंग करके एक साइंटिस्ट था, इसने काम किया ये मानते हुए, हाइगन्स को सही मानते हुए इसने ये माना कि लाइट की वेव नेचर है।
ठीक है, इसने काम किया, लाइट की वेव नेचर है, और उसने लैब के अंदर पहली बार एक्सपेरिमेंट करके दिखाया इंटरफेरेंस करके दिखाई लाइट की, और आप सबको पता है इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो होता है, या सुपर पोजिशन करके दिखाई लाइट की, और सुपर पोजिशन का फिनोमेना किस पे लगता है, वेव्स पे। इसका मतलब क्या है, लाइट वेव नेचर की बनी हुई है। तो ये मैथमेटिकली इस बंदे ने प्रूव कर दिया कि लाइट वेव नेचर से बनी हुई है, तो ये थ्योरी तो बिल्कुल सही मानी गई और ये उड़ गई। तो न्यूटन की थ्योरी आज की डेट में नहीं चलती, ये खत्म है। हाइगन प्रिंसिपल ने बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया, आज हम देखेंगे बहुत चीजों का आंसर दिया इसने, और यंग्स ने पक्का जो है एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि लाइट की वेव नेचर है। अब कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं लाइट के जो ये मानते हुए एक्सप्लेन किए जा सकते हैं कि वेव नेचर है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपको एक मिरर दूं और मिरर में कहूं कि आप अपनी शक्ल देखो, अब आपकी शक्ल बनेगी रियल वर्चुअल इमेजेस जो बनती हैं, आपने टेंथ में भी किया, लेंस के अंदर इमेजेस बनती हैं, क्या आप क्या स्टडी करते हो, वेव आ रही है, क्रेस्ट्रफ आ रहा है, नहीं करते, अब क्या मानते हैं, रे आ रही है, और अगर रे आ रही है तो अब इस केस में क्या होगा, आप रे ऑप्टिक्स स्टडी करते हैं। तो लाइट के कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से आंसरेबल हैं, और कुछ ऐसे फिनोमिनास हैं जो प्योरली वेव मान के ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, नहीं तो आंसरेबल नहीं है। अब ये जो कहानी है वो यहां तक चली, और एक और पैरेलल में एक और साइंटिस्ट काम कर रहा था, हमने ईएम वेव में पढ़ा, जिसका नाम क्या था, मैक्सवेल। मैक्सवेल और हर्ट्ज ने मिलकर क्या किया था, पहली बार हर्ट्ज ने लैब के अंदर ईएम वेव को बनाया, और मैक्सवेल की भी थ्योरी हमने पढ़ी, और हमें यह पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कहीं कहीं लाइट वो स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ईएम वेव का स्पेक्ट्रम का पार्ट है लाइट, तो पता लगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब उसकी वेव नेचर तो पक्का है ही है, राइट, क्लियर है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इकट्ठे काम कर रहे थे अलग अलग जगह पे, आपने देखा, और कहां से 1629 से कहानी स्टार्ट हुई 1850 तक चल रही है। अब उसके बाद आखिरी में एक और साइंटिस्ट आया, 1905 में इसको नोबेल प्राइज मिला। इतने 400 साल में इन कितने साइंटिस्ट आए और गए होंगे। इस आइंस्टाइन ने क्या किया, लाइट को फिर स्टडी किया, और आइंस्टाइन ने लाइट के बारे में यह कमेंट किया कि लाइट की एक और नेचर है, लाइट फोटोन से बनी हुई है। अब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो थर्ड, ये जो नेक्स्ट एंगल था देखने का, ये किसी को देखो पता नहीं था, और 1905 के अंदर इसने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें लाइट आती है फोटोन्स की फॉर्म में, उसको ट्रीट किया जाता है, और एक फोटो सेंसिटिव प्लेट पे लाइट गिरती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए, ना तो ये वेव नेचर एक्सप्लेन कर सकती है कि वेव गिरी और इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे कैसे आ गए, रे नहीं एक्सप्लेन कर सकता, रे की क्या एनर्जी होती है, कुछ भी नहीं, अब रे की तरह ट्रीट करते हैं, पर वो वेव और रे का कॉन्सेप्ट तो है ही है, पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को ना रे एक्सप्लेन कर पा रहा है ना वेव एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ये जो नया एंगल इसने प्रूव किया आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, कि फोटोन से भी बनी हुई है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, आपका जो वॉल्यूम 2 है प्लस 2 का, वो आज स्टार्ट हो रहा है 50%, और उस वॉल्यूम 2 में आपका पहले स्टार्ट होगा हाइगन प्रिंसिपल, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, करते करते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लास्ट फेज होगा, जिसको आप मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी पहचानते हो। उसके अंदर लाइट का एक कॉम्पोनेंट यूज करते हैं, मीन्स हम फोटोन्स को यूज करते हैं और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं और उस इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट आपका 40% ऑफ सिलेबस होगा अगले 3 महीने में, जिसके अंदर 50% में से आप ये लगाओ कि मैक्सिमम कवरेज ये पूरी की पूरी वॉल्यूम 2 की रहती है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि मतलब जिस 400 साल में चीज समझ में आती है, तो 2 महीने तो हमें भी लगेंगे समझने के लिए कि हुआ क्या है। अब लाइट सुनने में ऐसा लगता है कि ठीक है, फैसला हो चुका है कि एक ने कहा वो थ्योरी फेल हो गई, ये ओके वेव हो गया और रे हो गया और जो है फोटोन हो गई, बात खत्म हो गई। नहीं, बात अभी भी खत्म नहीं हुई। अब अगर वेव नेचर है तो वेव दिखती कैसी है? अब प्रॉब्लम यह है कि ये कोई रस्सी तो है नहीं कि आपने रस्सी पकड़ी, मैंने रस्सी पकड़ी, ये लो क्रेस्टफ क्रेस्टफ क्रेस्टफ, ये जो ट्यूब जलाते हैं, ट्यूब से तो पता नहीं कैसे 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 लाइट आएगी, मालूम नहीं कितनी वेव्स आएंगी, तो कैसे इंटरप्रेट करना है? सन से लाइट आ रही है, मैं वेव्स को कैसे देखूं? धूप पड़ रही है बाहर, मैं वेव्स को कैसे देखूं? मुझे तो वेव दिख नहीं रही, मेरे को लाइट दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली चीज को तो प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए मैथमेटिकली वेव को स्टडी करना पड़ेगा, और इसके लिए
ये वेव ऑप्टिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे ज़्यादातर लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं, पर मैं वेव करता हूँ। तो वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो पूरे ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें पहला चैप्टर है हाइगंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस, ये आज हो जाएगा, ये नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। एक्चुअल में दो चैप्टर्स अलग अलग हैं, बेसिकली ये तीन चैप्टर्स हैं, एक दो और तीन। और ये तीनों चैप्टर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो वेव का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो ये वेव ऑप्टिक्स की कैटेगरी में आता है। एक और चैप्टर है जिसको फोटोमेट्री बोलते हैं, लाइट की एनर्जी को स्टडी करना, इंटेंसिटीज को स्टडी करना, ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है नहीं। और हमने ये ईएम वेव के अंदर इंटेंसिटी वाला पार्ट कर लिया, वो ओवरलैपिंग सिलेबस है इसके साथ। तो जो हमने लास्ट टाइम ईएम वेव के न्यूमेरिकल्स किए थे वो इसके न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ वैसे मिलते जुलते हैं। फोटोमेट्री भी कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी एक लेक्चर है मेरे पास फोटोमेट्री का, अगर आप सुनना चाहें तो प्रिंटर से सुन सकते हैं, लेकिन इसको एनसीईआरटी में तो एक्सक्लूड किया हुआ है। उसके बाद है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये पहले था नहीं, अब कोई कहता है कोई नहीं है, चेक कर लेना, पर हमने करना तो है ही। टेंथ वाला रिफ्लेक्शन है जो आप टेंथ में करके आए हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, वही टेंथ वाला सेवन कलर्स प्रिज्म आप पढ़ के आए हैं, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो कुल मिला के इसमें एक दो तीन चार पाँच छः और सात चैप्टर्स हैं, तो पता लग रहा है कि कुछ बड़ा यूनिट है। पर चैप्टर अपने अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। हाँ, लिंक्ड है, रे ऑप्टिक्स टोटली लिंक्ड है, ये भी लिंक्ड है, वो बात अलग है। तो आपको ध्यान से सुनना है और लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना। तो जब ये ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है, तो कभी भी कहीं भी ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लो, वो आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस तो बताता ही है। तो रिफ्लेक्शन के लॉस बड़े क्लियर हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बताने की जरूरत नहीं है। और रिफ्रैक्शन के लॉस के लिए आपको दो लॉज बताए जाते हैं। पहला लॉ, वेन एवर रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ऐसे ही सेकेंड लॉ में, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू, ये आपने पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो जैसे रे ऑफ लाइट है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, रे ऑफ लाइट आती है, ये नॉर्मल है, ये बेंड हो जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और रिफ्रैक्शन आर है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। तो ये आपका रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है। एनसीईआरटी बुकलेट ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर ये चैप्टर है आपका। अब हमने क्या करना है, और एक और डेफिनेशन जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आपको मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। असली चैप्टर जो स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है, क्या है वेव फ्रंट और हाइगंस के प्रिंसिपल क्या है। हाइगंस के प्रिंसिपल समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किसका, वेव फ्रंट का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।